आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले के मूलू चित्रगाम में सेना के काफिले पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया। इस हमले में 3 जवान शहीद और 6 घायल हो गए। बता दें, अपने घर में काम कर रही एक महिला गोलीबारी की चपेट में आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुशल शासन से न्यायपालिका पर बोझ कम हो सकता है और उनकी सरकार व्यवस्था को स्वच्छ बनाने की प्रक्रिया में है। साथ ही पीएम ने न्यायाधीश दलवीर भंडारी की लिखी किताब का विमोचन करते हुए कहा कि भारत को बदलाव की रफ्तार तेज करनी होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के बीच महोबा में हुई गोलीबारी। बता दें, ये गोलीबारी सपा और बीएसपी समर्थकों के बीच हुई, वहीं इसमें 3 लोग घायल होने की भी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी चुनाव के संबंध में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक निजी चैनल को दिया अपने एक इंटरव्यू में कहा कि यूपी चुनाव में बीजेपी को मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट देने चाहिए थे। यूपी चुनाव में पीएम मोदी के स्कैम वाले बयान के बाद अब अमित शाह ने विरोधियों को बताया कसाब। बता दें, शाह ने एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस, सपा और बसपा के लिए संक्षिप्त में कसाब शब्द गढ़ते हुए कहा कि यूपी में जब तक इनका खात्मा नहीं होगा तब तक राज्य का भला नहीं होने वाला। अपने ट्वीट के जरिए मुंबई पुलिस पर निशाना साधने वाली लेखिका शोभा डे ने जिस पुलिस वाले को भारी पुलिस वाला कहा था, वह पुलिस वाला मुंबई पुलिस नहीं बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस का सिपाही है। साथ ही शोभा डे के बयान से आहत दौलतराम जोगावत ने कहा कि उनका 180 किलो वजन बीमारी की वजह से है, ना कि ओवरवेट की वजह से। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के कल्याण के लिए जी जान से काम कर रहे हैं, जो सामंती सोच वाली कांग्रेस, एसपी, बीएसपी जैसे दलों को हजम नहीं हो रही। भारत के प्रत्यर्पण की कोशिशों को धता करते हुए विजय माल्या ने न्यूज एजेंसी रॉयटर के हवाले से दावा किया है कि भारत सरकार के पास उनके प्रत्यर्पण के लिए पर्याप्त आधार नहीं है और वो इंग्लैंड नहीं छोड़ेंगे। साथ ही माल्या ने कहा कि वह महज देश के 2 राजनीतिक दलों के आपसी झगड़े में फुटबॉल बनाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व पीएम वीपी सिंह के बेटे अजय सिंह पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एचडीएफसी बैंक के उप महाप्रबंधक डीके गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज प्राथमिकी भी रद्द कर दी है। एबीवीपी का आरोप, ड्यू में भी लगाए गए देशद्रोह के नारे। बता दें, एबीवीपी के नेता साकेत बहुगुणा ने 35 सेकंड का एक वीडियो ट्विटर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज कैंपस का है और इसमें वामपंथी छात्र देश विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं। देश भर में महाशिवरात्रि की पूजा के लिए जबरदस्त तैयारी। इस बार शिव मंदिरों में भक्तों का भारी जमावड़ा देखा जा सकता है। बता दें, सारे देवों में शिव ही ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों की भक्ति पूजा से बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं इस बार 24 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। देश में बिक रही 1500 से अधिक दवाओं की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाई गई। इनमें से 13 दवाएं तो नकली पाई गई। बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय ने 47,012 सैंपल का परीक्षण करने के बाद ये बात सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय ने गुजरात के फाइनेंसर किशोर भाजियावाला की करोड़ों की संपत्ति अटैच की है। ये कार्रवाई पीएमएलई केस के तहत की गई है। बता दें, अटैच की गई संपत्ति लगभग 1.25 करोड़ की है। ईडी ने इसी साल जनवरी में किशोर को गिरफ्तार किया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज से शुरू। बता दें, वर्ल्ड की नंबर 1 टेस्ट टीम भारत और नंबर 2 टीम ऑस्ट्रेलिया के बीच 1947 से अब तक 90 टेस्ट खेले जा चुके हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड फिल्म जॉली एलएलबी 2 टीम के खिलाफ मानहानि मामले में निचली अदालत ने जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बता दें, जिनके खिलाफ समन जारी हुआ है उनमें अभिनेता अक्षय कुमार, अनु कपूर और निर्देशक सुभाष कपूर और फिल्म के निर्माता भी शामिल है। आज के लिए बड़ी खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़। नमस्कार।